ये सब क्या वो क्या मेल्ट हो जाएगा ना, खिंड जाएगा सब, बंकर तोड़ देता है ऐसे ही। ठीक ठीक नहीं ठीक है, ये इसमें खड़ा हो जाएगा, इसमें ऐसे खड़ा नहीं होगा, छोटा टाइम गिरेगा। मैं ठीक बता रहा हूं, 50 ऊपर पीछे चला जाना, वाल में चिपकना है वो, ठीक है। तो इसमें मैसेज वन करने से हो जाएगा पूरा, मगर ये सीरीज में लगा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो घरों के अंदर चले गए, बात सुननी चाहिए, बात सुननी चाहिए, घर के अंदर चले गए होगा, बात सुननी चाहिए। कहाँ कहाँ से मिले सिलेंडर सर? वो वाइट कर रहा है और जो गाड़ी हमारी मिले। हाँ सोचो, अब जी था ना ये, मैं अश्विदे से खोल रहा है और इसलिए मैंने बोला लेट नहीं। वार्ड नंबर 6 में सीति मल्ला ब्राह्मणा से बोल रहे हूँ कि यहाँ से मेरे भतीजा जो इधर आ रहा था चारा काटने के लिए, उसको बम मिला है वहाँ पे, तो उसने हाथ से उठा कर लाया यहाँ पे, तो कहने लगा मेरे को बम मिला है, तो 20 केजी इसका वेट है, तो क्या कर रहे हैं कर। फिर उसने जाकर पुलिस वालों को फ़ोन किया, उनको बताया, फिर आर्मी वालों को भी बताया, फिर उन सबको ला के इधर उसको डिस्पोज किया। तो मेरा नाम धीरज कुमार है और ये बम हमारे ताऊ जी की ज़मीन है, उनका नाम देवराज शर्मा है, उनकी ज़मीन से मिला है ये बम। उसके बाद जब ये इस बम को उठा के मैं ही लाया था, मैंने इस बम को यहाँ पे लाया, उसके बाद मैंने सरपंच साहब को फ़ोन किया, सरपंच साहब ने एसएचओ साहब को फ़ोन किया, एसएचओ साहब और उनकी पूरी टीम मौके पे आई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी जो आर्मी है, आर्मी सेना है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आके इतने बड़े बम को डिफ्यूज़ किया यहाँ पर आके, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर पहले तो हमें डर नहीं लगा था इस बम को, जब मैंने उठाया इसको डर नहीं लगा था, क्योंकि ऐसा जो साहब मुझे कह रहे थे कि इस बम को उठाना नहीं चाहिए, एक अपनी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है इसका, तो सर मैं नहीं मानता था। अभी सर डर लग रहा है, जब ये इसको ब्लास्ट किया तभी डर लग रहा है, अभी पहले नहीं लगा।